हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एक्यूमुलेटर को कैसे चार्ज किया जाता है, यानी जो गैस एक्यूमुलेटर होता है उसके अंदर गैस कैसे भरी जाती है। दोस्तों अगर आप एक्यूमुलेटर के प्रकार और एक्यूमुलेटर की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हाइड्रोलिक की जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रही है, ये एक्यूमुलेटर को चार्ज करने की किट है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर के चार्ज करने की जो किट है इसके अंदर ये सामान दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर गेज है और रेगुलेटर है और जो है अन्य यहाँ पे अलग अलग प्रकार की फिटिंग है। तो इस किट की सहायता से ऐसी पूरी एक जो है फिटिंग तैयार की जाती है। तो इस तरह से इस फिटिंग को एक्यूमुलेटर और नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर के ऊपर माउंट कर दिया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे अडोप्टर है और प्रेशर रिड्यूस है और चार्जिंग होज को लगाया गया है, चार्जिंग एंड टेस्टिंग यूनिट है और यहाँ पे जो है एक्यूमुलेटर का अडोप्टर है। तो अब यहाँ पे आपने ये तो देख ही लिया कि यहाँ पे जो है यूनिट चार्जिंग यूनिट को कैसे लगाया जाता है। दूसरा अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है कि हमें इस एक्यूमुलेटर के अंदर गैस कितने परसेंट भरना है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा सिस्टम प्रेशर है, यानी कि हम जहाँ पे इसको एक्यूमुलेटर को लगाएंगे तो उसका सिस्टम प्रेशर कितना है। तो उसका 80% हमें यहाँ पे जो है इसको चार्ज करना होता है। तो हर एक्यूमुलेटर को उसकी चार्जिंग के हिसाब से और सिस्टम प्रेशर के हिसाब से अलग अलग तरह से प्रयोग किया जा सकता है हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो यहाँ पे मेरा जो ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो मान लो यहाँ पे इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो प्रेशर है वो 50 kg है। तो यहाँ पे मुझे अपने इस एक्यूमुलेटर का चार्ज कितना रखना पड़ेगा, तो वो आप ऐसे कैलकुलेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो मेरा सिस्टम प्रेशर है तो मुझे उसका 80% यहाँ पे निकालना होगा। तो उसको ऐसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ना सिस्टम प्रेशर रखेंगे और फिर गुना हम 80% जो हमें करना है वो रखेंगे और फिर 100 से इसको भाग दे देंगे, तो हमारा जो ये इससे निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकल कर आ गया 40 bar। तो हमें यहाँ पे जो है गैस इसके अंदर जो भरनी है वो 40 bar ही भरनी होगी। तो इससे ज़्यादा हम यहाँ पे जो है हम चार्ज नहीं कर सकते। अगर हम इससे ज़्यादा चार्ज कर देंगे तो हमारा एक्यूमुलेटर काम नहीं करेगा। और दोस्तों इस एक्यूमुलेटर के अंदर नाइट्रोजन गैस ही भरी जाती है।